जैसे मैंने आपको बताया इस वक्त हम मौजूद हैं स्नैक्स टुनाइट में और यहाँ ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है स्नैक्स टुनाइट की। साबरा हमारे पास मौजूद है, वापस इधर लेकर आइए और आज हम सबको लेकर वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपकी दोस्त आपकी हो सारा मतलब बहुत सारा। तो आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर, कराची की मशहूर तरीन फूड स्ट्रीट। तो यहाँ पे आज मैं लेकर आई हूँ आपके लोगों के लिए एक सरप्राइज़। जी तो भाई सरप्राइज़ क्या है? जी हाँ सरप्राइज़ है, बिल्कुल सरप्राइज़ है। और सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए कुछ ऐसा जो मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। जी जनाब ये देखिए स्नैक टुनाइट कॉर्न डॉग आ चुका है अब हुसैनाबाद पर भी। ये देखिए जनाब आज इसकी ओपनिंग होने जा रही है, आपको ये मिलेगा स्नैक टुनाइट, अब है हुसैनाबाद पर भी मौजूद। कॉर्न डॉग अब आप मिलेगा हुसैनाबाद पर भी। जी हाँ पाकिस्तान में पहली दफ़ा तो आपको मिल ही रहा था, अब आपको हुसैनाबाद पर भी पहली दफ़ा मिलेगा कॉर्न डॉग। तो आप लोगों ने कहाँ आना है? हुसैनाबाद आना है कॉर्न डॉग को खाने के लिए। होम डिलीवरी सर्विस भी मौजूद है, ये देखिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी आज इनकी ओपनिंग है तो अभी यहाँ पर चल रही हैं तैयारियाँ। ये इसके अंदर ऑयल फिल कर दिया गया है और वहाँ पे जो साबरावाजी हैं वो कर रही हैं तैयारी। हाय कैसी हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, मुबारक हो बहुत बहुत आपको। आज हमारे मौजूद है समीना बाजी। तो समीना बाजी आज हमें क्या करने आई हैं आप? मैं आई हूँ जनाब हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पे, स्पेशली आज मुझे इनवाइट किया था साबरा ने और हम आए हैं स्नैक्स टू नाइट पे जिनका स्टॉल है, मैं शायद साबरा कहती हूँ। स्नैक्स टू नाइट इनका ब्रांड है जो स्पेशली पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है कॉर्न डॉग। ठीक है जी और आप देख सकते हैं ये इनका कार्ट है, कामरान चुरंगी पे इन्होंने स्टार्ट लिया था। ठीक है और माशाल्लाह से उन्होंने इसके बाद उससे एक से दो कार्ट अपने हो गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी एक और ब्रांच स्टार्ट हुई है हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे। तो ये अल्लाह ताला का करम है और उसके साथ साथ साबरा की बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत है, दिलो जान से उसने कोई टाइम कुछ नहीं, अपना घर नहीं देखा, बच्चे नहीं देखे, माशाल्लाह के बच्चों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उनको। शाम दोपहर रात किसी भी टाइम अगर उनको कहीं जाना है तो आज तो उनका शाम में स्टार्ट होता था लेकिन बच्चे माशाल्लाह सुबह से माँ के साथ लग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके ना से बच्चे उनका दामाद भी उनको बहुत सपोर्ट, मतलब कि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमारे पास एक ब्लॉगर और मौजूद है और वो है शुमाइला, हम बताते हैं शुमाइला आप यहाँ पे क्या करने आई हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या करने आई हैं? यहाँ व्लॉगिंग के लिए आए हैं, यहाँ पे यार स्नैक टुनाइट जो कामरान चौरंगी पे जो साबराबाजी थी उन्होंने जो धूम मचाई थी कराची में, तो अब उन्होंने धूम मचाने आई है हुसैनाबाद पर। ये फेडरल बी एरिया वालों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया कि अब उन्हें वो दूर जाना नहीं पड़ेगा और नियरेस्ट में इतने मजे का टेस्ट, इतने मजे का ये अपना स्नैक्स इनको मिल रहा है। यहाँ पे चल रही है तैयारी स्नैक बनाने की, कॉर्न डॉग बन रहे हैं। अच्छा ये चीज जो आप ये मुझे नजर आ रहा है सारी चीजें आपने जबरदस्त क्वालिटी की यूज करी है, ये कनौर जो है ये भी यूज करती हैं आप? जी बिल्कुल, ये नूडल्स क्रिस्पी नूडल्स की होती है हमारी, ब्रेडो की है और ब्रेड क्रम्स भी। मुझे ये तो मुझे अच्छे वो लग रहा है, आप डेडिकेटेड मेड है, होम मेड है या ये होम मेड है? लेकिन जबरदस्त लग रहा है मुझे क्वालिटी वगैरह सब, मैं जो देख रही हूँ अपनी आंखों से सब चीजें होम मेड है। सॉस को मैं दिखा देती हूँ, ये तो भाई चीज वगैरह मुझे मतलब पर्सनली देखें मैं इस चीज़ को बहुत आइडियलाइज करूँगी कि ये देखें हर चीज़ जो है इनकी बेहतरीन क्वालिटी की यहाँ पे यूज़ कर रही हैं। इवन कि ये जो फ्रेश नूडल्स यूज़ करेंगे ये भी इन्होंने कनौर के यूज़ करें किसी लोकल। हाँ जी तो ज़रा मुझे सॉसेस के बारे में बताएं कि सॉसेस जो रखी हुई हैं। ये सॉस जो है मेरा ग्रीन चिली सॉस मैंने बनाया है, ये होम मेड ग्रीन चिली सॉस है, हॉट एंड स्पाइसी मैंने बनाया हुआ है। जितना स्पाइसनेस चाहिए होती है कॉर्न डॉग में तो हम इसको ये डालकर भी देते हैं। और ये मेरा मस्टर्ड हनी सॉस है जो कि मैंने घर में बनाया है और ये भी होम मेड है। ये चिली गार्लिक है, ठीक है, और ये गार्लिक मायो है मेरा, ये भी आपका खुद का बनाया हुआ है? ये मेरे होम मेड है, ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। ठीक है
माशाल्लाह से क्वालिटी तो मुझे सब चीज़ों की बहुत जबरदस्त नज़र आ रही है। यहाँ पे मैंने हर चीज़ आप लोगों को दिखाया है, देखें ऑयल भी कर रही हूँ और बहुत जल्द इतना बोटी फ्लेवर भी मैं इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। यहाँ पे चिकन टैकोस भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला, छोटी मिनी चिकन टैकोस में लेकर आने वाली हूँ। बस मेरे कराची वालों से जो है मुझे ये सपोर्ट चाहिए, दुआएं और सपोर्ट चाहिए कि आएँ खरीदें और मुझे सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ये आप जो है उसकी कोटिंग कर रही है मैदे की? ये अभी मैदे की कोटिंग हो रही है, उसके बाद इस पे पोटैटो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसमें नीचे क्या है, जस्ट मोज़रेला स्टिक है? ये मैं मोस्ट ट्रेंडिंग जो कि मेरे सारे तमाम वीडियो में व्लॉग में बन रहा है ये वो वाला मैं आपको सही 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 चैटर चीज विद मोज़रेला हॉट डॉग, चैटर चीज विद मोज़रेला हॉट डॉग। ठीक है जी, तीनों चीजें इसके अभी समझे कोटिंग होगी। ठीक है ठीक है, अब ये जा रहा है पोटैटो में, जबरदस्त दिमाग लगाया आपने बहुत। अल्लाह ने दिया है इसको लगाने, सही बात है सही बात। मतलब बहुत हल्का सा बॉईल है, हाफ डन हुआ है ये पोटैटो बॉईल है, ब्रेड क्रम से कोट कर देंगे जी। अब ये ब्रेड क्रम में जा रहा है, इसके बाद अब तेल में जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप कौन सा बना रही है? ये फुल सॉसेजेस है, इसके ऊपर चेडर की रैपिंग होगी मेरी। तो ये हम लोगों ने इसका नाम डी रखा हुआ है, डी फॉर्म में हमारा नाम है इसका, डी डी डी, ये हमारे डी फॉर्म में मेन्यू में भी लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त। इसके अंदर वैरायटी है, सही सही। कोई जो है सॉसेजेस पसंद नहीं, चीज नहीं पसंद करता वो खाली इस पे भी बनवा सकता है। सही सही सही, समझ गई। और जिनको ये सॉसेजेस नहीं पसंद है वो खाली चीज के टुकड़ों पे भी बनवा सकते हैं ये पूरा, जस्ट ओनली चीज की पूरी हो जाएगी। सही सही सही, खोलते हुए तेल में उरी बाबा, उरी बाबा। कितने में फ्राई होता है ये? 5 से 6 मिनट चलेगा, हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो भाई ये तैयार हो रहा है, कलर आ जाए तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने कहीं से क्लासेस वगैरह ली है, क्या है ये भी तो बताएं। जी बस अल्लाह ताला की रहमत है, गॉड गिफ्टेड, देखते हैं हम। जबरदस्त खूबसूरत सा लग रहा है ये। तो भाई हो गया जबरदस्त। यहाँ पे आ चुका है ये कॉर्न डॉग और अब मैं इसको करने वाली हूँ ट्राई और आप लोगों को बताती हूँ कि भाई ये है कैसा। अच्छा ये जो है ये चीज़ और इसमें नीचे जो सॉसेज होता है वो दोनों मौजूद है और इसमें जस्ट ये सॉसेज है और उसके ऊपर जो कोटिंग उन्होंने की है वो की है कनॉर क्रिस्प नूडल्स की और इसके अलावा पोटैटो जो हाफ डन थे, इसमें जस्ट पोटैटो की और जो मैदा है उसकी कोटिंग है। तो करते हैं ट्राई, फिर आपको बताते हैं ये कैसा है। आइए मेरे साथ खा लूँ।
यार सॉसेस बड़े मज़े के हैं, कुछ अलग ही सॉसेस हैं, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इसको ट्राई किया है और ये बहुत मज़ेदार है। मुझे लगा था कि जो सॉसेज है ना मिक्स होकर कुछ डिफरेंट सा, मतलब अजीब सा ना फ्लेवर, लेकिन ये सब मिक्स होकर ऐसा ज़बरदस्त फ्लेवर दे रही है ना कि बहुत आला। तो क्या करना है अब आप लोगों ने भी आना है यहाँ पर और साबरा बाजी को करना है सपोर्ट। मैं हुसैनाबाद पे आ चुकी हैं वो, तो आप लोगों ने सबको आना है और आके ज़रूर ट्राई करना है कॉर्न डॉग स्नैक टुनाइट का। तो मुझे अब इसके साथ दीजिए इजाज़त ताकि मैं इसको कर सकूँ फुली इंजॉय। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आप लोगों ने क्या करना है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फौरन जाएं और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, बगैर वहाँ से हिलना बिल्कुल भी नहीं है, बेल करें टन टन। अच्छा जी, और वीडियो को कर दीजिए शेयर और मुझे दीजिए इजाज़त। अपने बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।